तो अब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज और स्ट्रेंथ, जो टाइप नंबर क्या है हमारा ए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त परसेंटेज स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमें जानेगा कि प्रतिशत क्षमता क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है मेरा मार्क्स मतलब नंबर, और ये हमारा कैंडिडेट ने चाहिए, मान लीजिए ऑप्टेन मार्क्स है OM, और ये हमारा कैंडिडेट ने, ठीक। अब हम बोल रहे हैं ना कि 100 नंबर में कैंडिडेट के नाम मान लीजिए हम ये मान लीजिए हम एच के, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं ना कि एच के नाम का कैंडिडेट है वो 100 नंबर में 20 नंबर ऑप्टेन किया, कोई भी सब्जेक्ट चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स, सभी में क्या किया 20 ऑप्टेन किया। तो 100 में मेरा हिस्सा कितना है 20। तो आप क्या कर रहे हैं मार्क्स की जगह मार्क्स हटा रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन ला रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पे मार्क्स हटाए और यहाँ पे ला रहे हैं सॉल्यूट, और यहाँ पर कैंडिडेट नाम हटा है, यहाँ पे क्या लाए परसेंटेज स्ट्रेंथ, क्या लाए परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब देखिए क्या बोलता है, हाँ सॉल्यूशन के 100 भाग में सॉल्यूट का 20 भाग जो उपस्थित है ना वही कहलाता आपका प्रतिशत क्षमता। आए बात समझ में कि प्रतिशत क्षमता की मतलब क्या हो गया आपका 100, सॉल्यूशन के 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है वही आपका कहलाएगा परसेंटेज स्ट्रेंथ। ये परसेंटेज स्ट्रेंथ वो तीन प्रकार का है, जैसे कि जेंडर के बेसिस पे इसको तीन टाइप में बांटा है, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, या आपका क्या है थर्ड जेंडर। तो इसी तरह परसेंटेज स्ट्रेंथ आपका थ्री टाइप का है, पहला है आपका मास परसेंट, दूसरा है आपका वॉल्यूम परसेंट, और तीसरा है आपका मास और वॉल्यूम दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपका जगह मास बटा वॉल्यूम परसेंट। पहला का क्या है मास परसेंट, दूसरा है आपका वॉल्यूम परसेंट, और तीसरा मास बटा वॉल्यूम परसेंट। लेकिन एग्जाम में कभी क्या करता है कि मास परसेंट आपको नहीं दिया रहेगा, लिखा रहेगा वेट परसेंट। तो मास परसेंट का अदर नाम क्या है आपका वेट परसेंट, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट का वॉल्यूम परसेंट आपको मिलेगा, जहाँ मास बटा वॉल्यूम परसेंट है वहां पर बोल सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर मास परसेंट क्या होगा, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले हम जान रहे हैं मास परसेंट, तो मास परसेंट का दूसरा नाम क्या है आपका वेट परसेंट, और वेट को शायद इसी तरह शॉर्टकट में लिखते हैं डब्ल्यूटी, कभी लिखे हैं आप लोग वेट को इस तरह भी लिख सकते हैं डब्ल्यूटी परसेंट। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर मास परसेंट का सिंबल क्या होता है। देखिए आप मास पढ़ रहे हैं और हमें जाना परसेंट के, यहाँ पर परसेंट के लिए परसेंट ही दिए, और मास है तो ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट, मतलब वेट बटा वेट परसेंट मास परसेंट में क्या हो गया सिंबल। अब आते हैं हमारा दूसरा आता है यूनिट। सर आखिर मास परसेंट का सिंबल है तो कहीं कहीं तो यूनिट भी तो होगा ना, ऊपर देखिए ऊपर में आपका वेट है मतलब ऊपर में आपका ग्राम है, और नीचे में भी वेट है, नीचे में भी आपका क्या है ग्राम, तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम दोनों आपका सेम टर्म है, तो ग्राम ग्राम क्या हो गया कैंसल आउट, यहाँ पर मास परसेंट के पास कोई यूनिट नहीं बचा। यहाँ पर लिखे कि मास परसेंट जो है ना वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है यूनिट लेस क्वांटिटी, तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि मास परसेंट इट हैज नो यूनिट, मतलब मास परसेंट के पास यूनिट नहीं। पॉइंट नंबर थ्री आता है मेरा एग्जाम्पल, अब ये जो पैटर्न लिखे इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। यहाँ आपको दिया है एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है कि 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, अब देखिए आप बोलते हैं ना कि 10% वेट बटा वेट यूरिया घोल का मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग आप लोग क्या समझ पाते हैं। देखिए ये जो टर्म दिया गया ना आपको न्यूमेरिकल में इतना दिया रहेगा, ये लोग क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है, देखिए इसका मतलब हम क्या समझेंगे।
हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ किसके टाइप पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तो हम लोग जहाँ सबसे पहले जानते थे कंसंट्रेशन क्या था, तो कंसंट्रेशन का मतलब था, एक लाइन पहले खींचिए, तो कंसंट्रेशन का मतलब बोलते थे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है, वही आपका क्या कहलाता था, कंसंट्रेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पर लिख दिए 10% है तो बटा 100 कर दू, फिर ऊपर गए फिर नीचे गए फिर ऊपर जाएंगे इतना हो गया, फिर वेट है तो वेट का यूनिट क्या होता है ग्राम। यहाँ पे देखिए ये आपका बट्टा का साइन है तो बट्टा हो गया, वेट का यूनिट हो गया आपका ग्राम। फिर आगे बढ़े तो यूरिया मिला, तो सॉल्यूट के जगह पर क्या लिए हम लोग, यूरिया, तो ऊपर में लिख दिए हम यूरिया। फिर आगे बढ़े तो सॉल्यूशन लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिख दिए, सॉल्यूशन। अब देखिए जब क्या आपको 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम यूरिया परजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अच्छा सुनिए, 10 ग्राम यूरिया परजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया का कितना ग्राम है, 10 ग्राम, जिसका रियल मीनिंग आपका ये होगी, ये बात आया क्लियर। लिखिए आप परसेंटेज का लैंग्वेज, उसके बाद इसको लिखा देते मास। तो बताइए मास परसेंट का सिंबल क्या हो गया, वेट बाय वेट परसेंट, मास परसेंट का अदर नाम बोलिए वेट परसेंट, ठीक है। हाँ, फिर मान लीजिए अगर 10% वेट बाय वेट आपको ग्लूकोज दिया गया था C6H12O6, तो 10 के लिए आप 10 लेते और परसेंटेज के लिए क्या लेते, 100। इस प्लान को बड़ा रखिए, वेट है तो ऊपर ग्राम और नीचे ग्राम, यहाँ पे आपका ग्लूकोज दिया गया तो सॉल्यूट के रूप में हम लोग क्या ले लिए, ग्लूकोज, और ये जो सॉल्यूट है और नीचे कौन सा पार्ट रहता है, सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन ले लिए। जब कभी आपको बुक में 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज लिखा रहे तो उसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज परजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। कंटिन्यू कीजिएगा, देखिए सबसे पहले परसेंटेज स्ट्रेंथ का लिमिट, इट इज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट परजेंट इन द हंड्रेड पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, पॉइंट नंबर टू, इट इज ऑफ 3 times ए नंबर है आपका मास परसेंट, बी नंबर है आपका वॉल्यूम परसेंट और सी नंबर है आपका मास बटा वॉल्यूम परसेंट। यहां पर देखिए करेंगे, बोले ना कि घोल के मतलब सॉल्यूशन के 100 भाग में उपस्थित सॉल्यूट का भाग है परसेंटेज स्ट्रेंथ, प्रतिशत क्षमता। ये कितना प्रकार का होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ, आपका 3 प्रकार का, पहला मास परसेंट, दूसरा वॉल्यूम परसेंट और तीसरा मास बटा वॉल्यूम परसेंट। अब हेडिंग दीजिए मास परसेंट, देखिए यहाँ पे ये कैपिटल है, कभी आपको कैपिटल ए दिए थे, कैपिटल अंदर के, कैपिटल ए के अंदर में स्मॉल ए है, इसमें हम कंफ्यूज मत कीजिएगा। सबसे पहले स्मॉल ए पढ़ेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, फिर सी पढ़ेंगे, फिर हम लोग कैपिटल बी पढ़ेंगे।
अब हेडिंग दीजिए मास परसेंट, मास परसेंट, मास परसेंट का सबसे पहले हम तो जानेंगे अदरनेस, तो मास परसेंट का दूसरा नाम है हमारा वेट परसेंट। उसके बाद हम लोग जानेंगे सिंबल, वो कहते हैं मास परसेंट का सिंबल क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट, परसेंट आपको बोलना पड़ेगा, वेट बाय वेट परसेंट। उसके बाद आता था यूनिट, तो वेट का यूनिट क्या होता है ग्राम, और नीचे ग्राम, ग्राम ग्राम क्या हो गया कैंसल आउट, बिकाउ सेंटर, ये हमारा कैसे क्वांटिटी हो गया यूनिट लेस क्वांटिटी, फिजिक्स में आपको यूज किया जाता है ये। आप सुनेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन नहीं होता। पॉइंट नंबर थ्री हो गया, पॉइंट नंबर फोर हो गया हमारा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है हमारा 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन मींस, देखिए यहाँ पे जो वेट बटे वेट है ना, ये वेट है कि वेट बाय वेट, इस तरह भी आपको लिखा हो रहा सकता, देखिए यहाँ पे वेट बाय वेट, ये और ये सेम टर्म, समझे कंफ्यूजन मत होइएगा, एग्जाम में आपको ये लिखा रहेगा, हम आपको इस तरह लिखा रहे। तो यहाँ पर 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन मींस, देखिए 10 था तो यहाँ पे 10 लिख दिया, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया 100 दे दिए, वेट का यूनिट ग्राम, फिर वेट का यूनिट ग्राम ले लिए, यूरिया है तो सॉल्यूट के रूप में हम लोग यूरिया ले लिए, फिर आगे बढ़े सॉल्यूशन लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोग सॉल्यूशन, इसका रियल मीनिंग क्या हो गया कि 10 ग्राम, बोलिए 10 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। वही आपका कहलाता है मास परसेंट। देखिए यहाँ पे अब वो लोग मास परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो पॉइंट नंबर फोर लिखे थे हमने ना, वो देखिए तब पॉइंट नंबर फाइव होगा हमारा फॉर्मूला, इसी की मदद से हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारा मास परसेंट का, यहाँ पर लिख लिया मास परसेंट, तो मास परसेंट किसका टाइप है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे एक बड़ा सा लाइन दे दिए, और कंसंट्रेशन का मतलब था आपका कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है, उसी को बोलते थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन आज मास परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर मास है, तो सॉल्यूट में क्या लेंगे हम लोग मास, ऊपर में लिख देंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में लिख देंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास के बदले तो लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है, तो परसेंट का मतलब क्या हो गया गुना 100, यहाँ पर कर दिए इनटू 100, तो मास परसेंट का फॉर्मूला हो गया कि जब सॉल्यूट के मास को भागा दीजिएगा सॉल्यूशन के मास से और गुना कीजिएगा 100 से, तो आपको जो परसेंट प्राप्त होगा वो आपका मास परसेंट होगा। आज हम लोग नंबर परसेंट सुने थे, नंबर परसेंट जैसे हम लोग अपना नंबर पता करते हैं, तो आज कौन सा परसेंट पढ़ रहे हैं हम लोग मास परसेंट। देखिए रास्ते में थे, नहीं पड़े स्टूडियो में।
एक और बोला नहीं बता सुमान वहीं से आ रहे वहीं लेट हो गया ठीक है। मास परसेंट खत्म हो गया मेरा, अब हम कौन सा परसेंट पढ़ेंगे? वॉल्यूम परसेंट। बी नंबर हमारा क्या है? वॉल्यूम परसेंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वॉल्यूम परसेंट का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सिंबल जानेंगे। तो मास परसेंट का सिंबल था वेट बाय वेट परसेंट, तो वॉल्यूम परसेंट का हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम का सिंबल हो गया बी, तो बी बाय बी परसेंट। जैसी को बोलते थे बी डिवाइड बाय बी परसेंट। पॉइंट नंबर टू आता है हमारा यूनिट। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मिलीलीटर और लीटर। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों टर्म होता है, मिलीलीटर भी होता है और लीटर भी। तो अगर ऊपर मिलीलीटर है और नीचे भी मिलीलीटर है तो मिलीलीटर मिलीलीटर क्या रहेगा? कैंसल आउट। तो ये आपके पास कैसा यूनिट प्राप्त होगा? यूनिट लेस क्वांटिटी। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यूनिट लेस क्वांटिटी। पॉइंट नंबर थ्री आता है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा 10-20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल। ये जो टर्म है इसको थोड़ा सा घेर लीजिएगा, कहीं बुक में आप जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको घेरा वो मिलेगा, समझे? सोइएगा नहीं। इथेनॉल सॉल्यूशन मींस अब देखिए ऊपर में 20 है, यहाँ पर लिखी ऊपर में 20 परसेंट था, तो परसेंट का मतलब हो गया 100। वॉल्यूम का यूनिट आपका हो गया मिली लीटर, यहाँ पर लिख दिए मिली लीटर, फिर वॉल्यूम का यूनिट लिख दिया मिली लीटर। अब यहाँ पर ऊपर में आपको इथेनॉल है, इथेनॉल हमारा क्या है? सॉल्यूट। अरे दारू, समझे? लेकिन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे ये तो कंटेनर है, कंटेनर में तो पानी है। अब मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है और बाहर से 2 लीटर दारू डाल रहे हैं, तो 2 लीटर आपका सॉल्यूशन बन मेन आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, समझे? और जो पानी आपका क्या जाएगा? सॉल्यूट। इसका मतलब ये हो गया कि आप है सो दारू को पानी नहीं मिला रहे, पानी को दारू मिला रहे, समझे? इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 20 के लिए 20 हो गया, वॉल्यूम ml था, ml के नीचे भी इथेनॉल है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? इथेनॉल के सीट होता है। अरे आप बोले CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। हां सर, OH। हां ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पर CH3 हटा दीजिएगा ना और हाइड्रोजन लगाइएगा ना HCOOH, तो ये आपका फॉर्मिक एसिड होगा। अरे चिट्टी काटता है फॉर्मिक एसिड, और यहाँ CH3 लगाइए तो एसिटिक एसिड। अब ये सब पढ़े होंगे, ये वो नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है दो का नहीं तो समझ रहे हैं आप सही जा रहे हैं। ईथ का मतलब कितना कार्बन? दो कार्बन। और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब देखिए ओल है ना, तो ओल का मतलब होता है एल्कोहल। ओल का मतलब क्या हो गया? एल्कोहल। आप सही जा रहे हैं, एल्कोहल का मतलब क्या? OH। तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल हो उसके नाम के अंत में ओल लगा हुआ होता है, तो ओल है तो एल्कोहल है। अब देखिए कार्बन के पास एक बॉन्ड दिख रहा है, एक कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड है 3 बॉन्ड नहीं है, तो कितना हाइड्रोजन बढ़िएगा? 3 हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बढ़ दिए। अब इसी को हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्बन 2 है, यहाँ C2 लिख दिए, 3 × 2 = 5 और 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया, 1 लड्डू था तो 1 लड्डू दे दिए, ये हो गया C2H6O। इसी को बोलते हैं इथेनॉल, इसी को पीते रहते हैं। यही है जिसको फॉर्मूला पता नहीं है, ये रोज पीता है, इसी को अमृत बोलते गांव में। हाँ तो इसको पीने के बाद बहुत एनर्जी आ जाता है जिंदगी में। वॉल्यूम के लिए ml लिखे, फिर वॉल्यूम के लिए यूनिट ml ले लिए, इथेनॉल है, इथेनॉल आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को कहाँ लिखते हैं? ऊपर में, यहाँ पर लिख दिए इथेनॉल। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या मिला हमको? सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख दिए सॉल्यूशन। अब देखिए
इसका मतलब है कि 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि 20 ml इथेनॉल घुला हुआ है 100 ml सॉल्यूशन में। इसको लैंग्वेज बोल दे कि 20 ml इथेनॉल डिसॉल्वड इन 100 ml सॉल्यूशन। तो ये जो भी बोले ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको क्वेश्चन रहेगा मिस। इसका मतलब हो गया कि 20 ml इथेनॉल आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ml में उपस्थित 20 ml इथेनॉल, समझे? मतलब 100 ml सॉल्यूशन में इथेनॉल का मात्रा कितना है 20 ml, वही 20 ml पी के घूमना। तो वही हमारा कैसा परसेंट क्या लगा आपका वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट का सिंबल क्या हो गया V by V परसेंट। ओके यूनिट कैसा हो गया यूनिट लेस क्वांटिटी। और अगर 20 परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट है कैसे सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में। अब इसके एक बचता हमारा फॉर्मूला, तो पॉइंट नंबर 4 हो गया हमारा फॉर्मूला। तो कौन सा परसेंट निकाल रहे हैं वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पर लिखे वॉल्यूम परसेंट। अब देखिए परसेंट का मतलब क्या गुना 100, यहाँ पर लिखिए गुना 100। और कंसेंट्रेशन का मतलब कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है, तो नीचे में लिख दिया हम लोग सॉल्यूशन और ऊपर में लिख दिया सॉल्यूट। ओके वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट आपका होता है एमएल, जैसे हम यहाँ पे सॉल्यूट लिख रहे हैं तो ऊपर में लिखे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जब सॉल्यूट के वॉल्यूम को भागा दीजिएगा सॉल्यूशन के वॉल्यूम से और गुना 100 कीजिएगा तो आपको कैसा परसेंट प्राप्त होगा वॉल्यूम परसेंट, जो आपका यूनिट लेस क्वांटिटी है। और ध्यान रखिएगा वॉल्यूम है तो हमेशा लिक्विड के लिए यूज होगा, सॉलिड के लिए मत इसकी यूज कीजिएगा, समझे? आप कहिएगा कि आज हम खरीदे 20 लीटर चीनी, समझे? तो गड़बड़ हो जाएगा, समझे? देखिए देखिए यहाँ पे मास परसेंट पढ़े थे, मास परसेंट का सिंबल क्या था वेट बाय वेट परसेंट, और वॉल्यूम परसेंट का सिंबल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फिर हमारा था यूनिट, तो मास परसेंट को ऊपर में ग्राम नीचे में भी ग्राम, ग्राम ग्राम क्या था कैंसल आउट। तो मास परसेंट कैसा क्वांटिटी है यूनिट लेस क्वांटिटी, इसको डायमेंशन लेस नहीं बोलिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज को, ताकि हम समझ फिजिक्स में आते तो दिमाग वहीं चल जाता है। उसके बाद आगे हम लोग वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट ऊपर में एमएल नीचे एमएल, एमएल एमएल कैंसिल आउट, तो वॉल्यूम परसेंट कैसे क्वांटिटी यूनिट लेस क्वांटिटी। फिर आता मेरा फॉर्मूला, ठीक है? इधर भी फॉर्मूला इधर भी फॉर्मूला। तो मास परसेंट है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है, समझे? तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। ये क्या कैसा परसेंट हो गया मास परसेंट। अब वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100 कैसा परसेंट वॉल्यूम परसेंट। अब इधर बोला कि 10% ग्लूकोज 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का मतलब बताइए, क्या बोलते थे कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो किसके एग्जांपल हो गया मास परसेंट, जिसके एग्जांपल ग्लूकोज के एग्जांपल हो गया मास परसेंट का एग्जांपल हो गया। फिर इधर बोल रहा है कि 20 ml इथेनॉल परसेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, कैसा परसेंट हो गया वॉल्यूम परसेंट। इधर हो गया, फिर आगे फॉर्मूला इधर खत्म हो गया, इधर भी फॉर्मूला खत्म हो गया। वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100, ये हो गया वॉल्यूम परसेंट। तो इधर मास परसेंट पढ़े वॉल्यूम परसेंट पढ़े, आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जो पॉइंट नंबर सी पढ़ेंगे वह है हमारा मास बटा वॉल्यूम परसेंट। इसी को देखिए, इसी को बुक में लिखा रहेगा मास डैश वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंट, समझे? इसी फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे हम लोग मास डैश
वॉल्यूम परसेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंबल क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे हाइफन लगा होगा, आप लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास, पढ़े राम और श्याम के बीच थोड़ा सा गैप रहता है, अरे राम डैश श्याम, सीता डैश गीता, मतलब राम एंड श्याम इसी को पढ़ते हैं, सीता एंड गीता। ये आपका मतलब मास, मास बटा वॉल्यूम परसेंट, मास एंड वॉल्यूम परसेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मास वॉल्यूम परसेंट का सिंबल क्या होता है। यहाँ पर लिखे हम लोग सिंबल, देखिए यहाँ पे ऊपर में मास है तो मास का सिंबल क्या लिखे थे, वेट, और वेट का सिंबल क्या था, मास का सिंबल क्या था, वेट, अरे मास का दूसरा नाम वेट बोल रहे आप, समझे, उसका सिंबल पूछ रहे थे, डब्ल्यू था ना, तो डब्ल्यू बोल रहे आपको सिंबल पूछ रहे ना आप, हमको मास पूछे तो आप उसी का नाम वेट बोल रहे थे, तो सिंबल क्या हो गया आपका डब्ल्यू, और वॉल्यूम का सिंबल क्या हो गया वी, यहाँ पर लिखिए वी परसेंट था तो यहाँ पर लिखिए परसेंट, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इसी को बोलते हैं, डब्ल्यू बटा वी परसेंट, तो क्या बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंट। पॉइंट नंबर टू आता है मेरा यूनिट, यहाँ पर यूनिट आएगा, वेट का यूनिट क्या हो गया ग्राम, यहाँ पर लिखिए ग्राम, डिवाइड का साइन था तो डिवाइड लिख दिए, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है एम ए, एम ए से लीटर जो भी ले सकते हैं, फिलहाल मेरे मिलीलीटर, ठीक, तो ऊपर में ग्राम था तो ग्राम लिख दिए, और मिलीलीटर नीचे से ऊपर गया तो पर लीटर बन गया, ये हो गया आपका ग्राम पर मिलीलीटर, हाँ ग्राम पर मिलीलीटर। इसको शुरू शुरू में पढ़ ही नहीं पाते थे, समझे, हम सिखाते थे पढ़ते ग्राम पर मिलीलीटर, पर का मतलब ये नीचे वाला पार्ट, जब ऊपर आता है उसको पर पढ़ते। तो पॉइंट नंबर थ्री हमारा आता है थ्री, मास वॉल्यूम परसेंट का आता हमारा एग्जांपल, तो एग्जांपल है हमारा कि हाँ 30% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ यूरिया मीन्स, पता है यूरिया पे फोकस क्यों कर रहे हैं आपको, आपको ट्वेल्थ क्लास में पूछेगा न्यूमेरिकल ना, वो यूरिया पर आज तक पूछा है, समझे, जितना बार पूछा है यूरिया, अगर यूरिया नहीं पूछेगा तो ग्लूकोज पूछता, मैं दो ही क्वेश्चन है फेमस, चाहे यूरिया लेके न्यूमेरिकल दिया है चाहे ग्लूकोज लेके तीसरा देने किया है, तो उसी हालात में आपको तैयार कर रहे हैं, समझे, जिस हालात में आपको एग्जाम में देखता है। आप देखिए ये आपकी टीम 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 30 था तो ऊपर में लिखिए 30% का मतलब हो गया मेरा 100, और वेट का यूनिट क्या हो गया ग्राम, यहाँ पर ऊपर में लिखिए ग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट हो गया आपका मिलीलीटर, फिर ऊपर में आपका मिला यूरिया, यहाँ पर लिखिए सॉल्यूट के रूप में लिख दिए यूरिया, फिर नीचे में यूरिया सॉल्यूशन मींस, तो नीचे हमारा क्या रहता था सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख दिए सॉल्यूशन, इसका लैंग्वेज हो गया कि 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि 30 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 ml में उपस्थित है 30 ग्राम यूरिया, उसी को क्या बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। देखिए हमारा मास परसेंट खत्म हो गया, वॉल्यूम परसेंट खत्म हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट खत्म हो गया, हमारा क्या बचा मोलारिटी, ये क्या बचा हमारा मोलारिटी, ये हमारा जाएगा कैपिटल सी, अब हम लोग के हाथ में तीन ही बचा हुआ है, एक मोलारिटी, एक मोलालिटी और एक मोल फ्रैक्शन, समझा, तीनों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपको यही तीनों से आएगा, चाहे परीक्षा मोलारिटी आएगा, चाहे मोलारिटी चाहे मोल फ्रैक्शन में, इसका जितना पॉइंट हम बताएंगे ना, ये 11 12 के लिए सबसे एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है, क्या
ट्वेल्थ पूछता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी, आप लोग भी पूछता था जब सब्जेक्टिव हुआ करता, तो आप लोग का सब्जेक्टिव होने वाला नहीं है, समझे। तो यहाँ पर आप लोग का पूछेंगे जो जितना पॉइंट अभी कहेंगे ना, आपका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रखेगा, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ देगा। अब देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोलारिटी का सिंबल क्या होता है। तो मोलारिटी का सिंबल होता है, देखिए शुरू लिखा है कैपिटल है, क्या लिखा हुआ है कैपिटल है, तो मोलारिटी का सिंबल हो गया आपका कैपिटल एल। पॉइंट नंबर टू आता है मेरा यूनिट, सर आखिर मोलारिटी है तो उसका कोई ना कोई तो यूनिट तो होगा। आप देखिए सर के यूनिट पता चल रहा है पूरा हफ्ता उठाइए, आपको क्या मिला मोलर। तो मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ऊपर में मोल है तो यहाँ पे मोल लिख दिए, और लीटर नीचे से ऊपर गया तो क्या बन गया मोल पर लीटर, ये आपका हो गया मोल पर लीटर, मोलारिटी का यूनिट। फिर पॉइंट नंबर, हाँ पॉइंट नंबर थ्री आता है आपका डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ये हो गया मेरा बर्तन, और बर्तन में जो सॉल्यूशन लेना है वह सॉल्यूशन मेरा एक लीटर का होना चाहिए, समझे। सर हम आधे लीटर का लेंगे, आधे लीटर का लीजिएगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा इस टर्म पे, कि एक ही लीटर में बात करना है। जब भी आपको एग्जाम में बात करेगा वो एक लीटर रिफरेंस पॉइंट लेगा, मतलब एक लीटर में ही लेके पूछेगा। देखिए तो मोलारिटी, हाँ तो मोलर का मतलब क्या मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो एक लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा बाहर से डाला जा रहा है वही आपका मोलर रेटी कहलाता है। फिर बोले एक लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है वही हमारा मोलर रेटी कहलाएगा। वन लीटर सॉल्यूशन में हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, उसी क्या बोलिएगा मोलर रेटिंग। फिर आता मेरा डिपेंडेंसी, सबसे पहले इसका फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूला पता चल जाएगा तो हमको सारा टर्म पता चल जाएगा। तो पॉइंट नंबर फोर हम लिखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि नीचे मेरा क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिए आप लोग एक लीटर, यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें होना चाहिए लीटर में, यहाँ पे लिख सकते हैं इन लीटर, चाहे आप यहाँ ब्रैकेट में लीटर भी लिख सकते, दोनों का मतलब सेम हो गया। और ऊपर में क्या करें सॉल्यूट डाल रहे हैं, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल डाल रहे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब पूरा क्या होता है कि एक लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में सॉल्यूट की मोल की संख्या कहलाती है मोलर रेटिंग। अब देखिए नीचे आपका वॉल्यूम है और पूछे डिपेंडेंसी, मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ पे जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा आपका क्या है टेम्परेचर। अब देखिए एक टर्म बता रहे, ये आपका वॉल्यूम है ये आपका टेम्परेचर है। आज हम बोले ना कि जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं कि वॉल्यूम है ना सो सीधा समानुपाती है, सीधा समानुपाती है टेम्परेचर का। इंग्लिश में बोलते हैं कि वॉल्यूम है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। अब बोले वॉल्यूम है और ये आपका टेम्परेचर है, तो बोले कि जब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे ना तो टेम्परेचर घट जाता है, ये आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी को बोलते हैं युद्ध कर्मानुपाती। 10th क्लास में यही सब लिखा होता है युद्ध कर्मानुपाती, हम उसको समझे नहीं पाते थे क्या है समानुपाती युद्ध कर्मानुपाती,
उसको देखते हुए तो डर लगता, तो व्यूत कर्मण तो दिखते बहुत बड़ा हो जाता है, सोचते हैं उसको पढ़ने लिखने कहीं सही भी नहीं लिख पाते थे। हाँ, तो अब यहाँ बोले ना कि जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसा जैसा वॉल्यूम वैसे वैसे टेम्परेचर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जहाँ पर वॉल्यूम वहां पर हम लोग किसको मान रहे हैं, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, ठीक, वॉल्यूम की जगह पर आज लोग टेम्परेचर बोल रहे हैं। अब देखिए जहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा, मोलारिटी का, यहाँ पर लिख दिया मोलारिटी। तब हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है, मोलारिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चल रहा है मोलारिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो मोलारिटी आपका घट जाएगा, और हम बोले कि जैसा जैसा वॉल्यूम है वैसा वैसे क्या है टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम की जगह पर अब हम लोग क्या मान रहे हैं टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मोलारिटी आपका घटेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोलारिटी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, मोलारिटी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, मतलब टेम्परेचर पर क्या कर रहा है निर्भर कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एक बढ़ाइएगा दूसरा घट जाएगा, और दूसरा अगर बढ़ाइएगा, अगर मोलारिटी बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर आपका क्या होगा घट जाएगा। और यहाँ पर हाँ यूनिट हो गया मोल पर लीटर, डिपेंडेंसी हो गई टेम्परेचर डिपेंडेंट का, और मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें क्या और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, हम बोल रहे हैं कि मोलारिटी है ना, मोलारिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद है आपको मैं फॉर्मूला को पहले पढ़ाए थे, नंबर ऑफ मोल, अरे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या पढ़े थे मास बटा मोलर मास, तो ऊपर में सॉल्यूट है इसके बदले लिख सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल बराबर तो मास बटा मोलर मास, मतलब ऊपर में मेरा सॉल्यूट का मास, यहाँ लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ही मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अभी ऊपर वाला ही चल रहा है, यही इसके बारे में सूचना लिखे। अब आ रहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो बट्टा में यहाँ लिख दिया वन बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास, मोलारिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमेशा देखिए आपको ये हमारा वॉल्यूम किस में होना चाहिए, हमेशा लीटर में, अगर परिचय में आपको परिचय में लीटर में आपको लिख के नहीं देगा, समझे, एग्जाम में कभी आपको लीटर में देगा ही नहीं, आपको हमेशा देगा मिली लीटर में, हमेशा किस में देगा आपको मिली लीटर में। और मिली लीटर को लीटर में बदलने के लिए कितने से गुना करते हैं, कितने से भाग देते हैं, सौ से, जब हम लोग मिलीलीटर को लीटर से भागा देते, मतलब मिलीलीटर को जब हम लोग लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो थाउजेंड से क्या करते हैं डिवाइड, एक हजार से हम लोग भागा देते हैं, तब हम लोग को जो प्राप्त होता है, ठीक है, सॉरी जो हम लोग को मिलीलीटर क्या कर किसमें कन्वर्ट हो जाता है लीटर में, इसमें कभी नहीं कीजिएगा, जब आपको मिलीलीटर में दिया जाएगा तो किससे भाग दीजिएगा हजार से, परिचय होता है कि हजार एक जीरो कम हो जाएगा तो सो हो जाएगा आपका, तो आपको लीटर में नहीं बदले, हाँ बिल्कुल गड़बड़ जाएगा। तो मोलारिटी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बटा वन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। इससे अब एक टर्म आता है आपका मोलारिटी, छोड़ दे क्या, अच्छा ठीक है, ये देखो